लाइन ऐसे गायब कैसे हो सकता है? MH370 के बारे में लोग आपको बहुत सारी थ्योरीज गिना सकते हैं, पर इनमें से सिर्फ एक ही सही है। इंटरनेट पर एक थ्योरी है, हाईजैकिंग, मैकेनिकल फेलियर, मीटियोर टकराया, प्लॉट सुसाइड, क्या पता। 239 निर्दोष लोग, किसी को तो पता है कि दरअसल क्या हुआ था। इस फ्लाइट से जुड़ी कई बातें समझ में नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि MH370 के साथ जो हुआ उसके लिए कोई मिस्टीरियस कार्गो जिम्मेदार हो। शायद इसके लिए फ्लैपरॉन कहलाने वाला विंग सिस्टम जिम्मेदार हो। मैंने इसे पहली बार देखा तो मन में सवाल उठा, इसे किसने प्लांट किया? इस पीस को वहां कौन लाया? मुझ पर एक रशियन स्पाई, चाइनीज स्पाई होने का आरोप लगता रहा है। ये पूरी बकवास है। हम भी कुछ जान नहीं पा रहे। ऐसी नई इंफॉर्मेशन आ रही है जो इस प्लेन के हादसे को एक नई शक्ल दे रही है। सर्च गलत इलाके में हो रही है। उसके बारे में पता चलने के बाद ही हमें सुकून मिलेगा। ये शुरू से ही पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। ये काम जानबूझ के किया हो, शायद इसे हाईजैक किया गया हो, हमें नहीं पता। मेरे पास असली सबूत है, ये वहाँ है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। प्लेन्स ऊपर जाते हैं, प्लेन्स नीचे आते हैं, पर वो दुनिया से गायब नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होता। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये एविएशन हिस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। MH370 एक मिस्ट्री है जिससे जुड़ी तकलीफ आज भी हमारे साथ है। ये सांप अब भी जिंदा है। बतौर एक एविएशन जर्नलिस्ट, ये एक ऐसा मामला है जो मेरे मन में जैसे गड़ गया है। मैं इसे भूल नहीं सकता, पर मुझे उसे इन्वेस्टिगेट करना था। वो फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। उस प्लेन को आधी रात के आसपास टेक ऑफ करना था और उसे रात में उड़ान भरते हुए सुबह बीजिंग पहुंचना था। सब कुछ रोज जैसा ही था। प्लेन में 227 पैसेंजर थे और 12 का क्रू था। मेरे हस्बैंड और मैं, हसरीन, मलेशिया एयरलाइंस के लिए बतौर क्रू काम कर रहे थे। हमारी एक बेटी है और तब मैं प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेज में थी, तो मैं काम नहीं कर रही थी। उन्हें बीजिंग जाना था। सर्दियों का टाइम था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने अपनी फ्लफी जैकेट पैक की अपने बैग में। मेरे हस्बैंड पॉल वीक्स और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते थे अपने दो बेटों के साथ। पॉल चाइना में एक नए जॉब की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, देखो तुम चाहती हो कि मैं जाऊं, क्योंकि जैक यंग था और लिंकन भी। 28 दिन की ड्यूटी और 14 दिन की छुट्टी मिलनी थी, तो मैंने उनसे कहा ऑफकोर्स। मैं बीजिंग में करीब 6 साल से अपने बच्चों के साथ रह रहा था। मेरे बच्चे मलेशिया में स्कूल हॉलीडेज पर थे और मैं उनसे मिलने बीजिंग जा रहा था ताकि हॉलीडे का दूसरा वीक उनके साथ बिता सकूं। एक दिन पहले मैंने अपनी वाइफ से बात की थी, सब कुछ ठीक था। हमारे मिलने की बात से वो बहुत खुश थे। मेरी बेटी का एक मैसेज आया था,
मैं कोलालंपुर के एयरपोर्ट पे हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं डैडी से फिर से मिल पाऊंगी। उनकी प्लेन का वक्त हो गया था। ये मौका बहुत इमोशनल था। सबके आंसू निकल आए थे। बेटे फ्लाइंग किस दे रहे थे, कह रहे थे आई लव यू, और वो दरवाजे से बाहर निकल गए। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। 370 32 right for takeoff, गुड नाइट। 32 right cleared for takeoff, thank you, bye। हसरीन ने प्लेन के टेक ऑफ से पहले मुझे फोन किया। उनका आखिरी डायलॉग था आई लव यू। रात को 12:41 पर प्लेन टेक ऑफ कर गया। ये रात एकदम क्लियर थी, एकदम शांति थी। प्लेन क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक पहुंच गया और साउथ चाइना सी के तरफ बढ़ गया। मलेशियन 370 मेंटेनिंग लेवल 350। बस फिर 1 बजे कुछ देर बाद हालात थोड़े अजीब होने लगे। प्लेन अब मलेशियन एयर स्पेस छोड़ने वाला था। अब प्लेन को अगले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के हवाले किए जाने वाला था जो वियतनाम में था। तो मलेशियंस ने कहा, मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो चिन मिन 120.9, गुड नाइट। और जब प्लेन मलेशियन एयर स्पेस की सरहद पर पहुंचा, फ्लाइट की कैप्टन ज़हरीन अहमद शाह ने रेडियो पर कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। और फिर 90 सेकंड्स के बाद प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और रडार से गायब हो गया और मिस्ट्री वहीं से शुरू हुई। सुबह 2:20 पर आई कॉल से मेरी नींद खुली। मुझे बताया गया कि फ्लाइट MH370 हमारे सिस्टम से मिसिंग है। मैं जानता था कि यह बात बहुत ही अजीब है, एक्सट्रीमली अनयूजुअल। जब मैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचा, मैं सुन हो गया था और मैं बहुत नर्वस था। हमने थाईलैंड, हांगकांग और वियतनाम को भी MH370 से कम्युनिकेट करने को कहा, पर उन्होंने बताया कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सुबह 4 से 6:30 के बीच हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हम हर मुमकिन जगह से कांटेक्ट कर रहे थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद एयरक्राफ्ट वियतनाम या हांगकांग में लैंड कर गया होगा या फिर बीजिंग पहुंचने से पहले कहीं चाइना में। जब सुबह के 6:30 तो हमें अंदाजा हो गया कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। ब्रेकिंग न्यूज, मलेशिया एयरलाइंस ने कंफर्म किया है कि 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू वाले प्लेन से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बीजिंग में इस समय 6:30 का वक्त है और इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है। हम इतना बताना चाहेंगे
कि हमें क्या पता चला है। फ्लाइट नंबर है MH370। लगता है बोइंग 77 गायब हो गया है। ये सब मेरे लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर जैसा था। हम फैमिली मेंबर्स को क्या बताएंगे, हम मीडिया को क्या बताएंगे। मुझे कई मीडिया हाउसेस से कॉल आ रही थी, CNN की भी। फिलहाल हमारे साथ फोन पर हैं मलेशियन एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस मिस्टर शुरू जी। आप इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? ओके, एयरक्राफ्ट में करीब 7 घंटे का फ्यूल है और हमें लगता है कि 8:30 बजे तक इसका फ्यूल खत्म हो गया होगा। इस वक्त हमें नहीं पता कि ये एयरक्राफ्ट कहां है। बतौर सीनियर ऑफिसर्स आपको वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सपेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करना होता है, पर जब ऐसा होता है तो हालात अलग होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सुराग नहीं होता। आखिर ये एयरक्राफ्ट है कहां? आठ तारीख की सुबह सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। उस जगह जाना होता है जहां रेडार स्क्रीन से प्लेन गायब हुआ था। हमें कॉल आया कि साउथ चाइना सी में एक ऑयल रिग्स के कर्मचारी ने एक धमाका देखा था, जैसे कोई प्लेन समंदर में गिरा हो। जैसे ही प्लेन का दिखना बंद हुआ, इस खबर में अचानक दिलचस्पी बढ़ गई। सोशल मीडिया एक्टिविटी, लोग पोस्ट करने लगे कि आखिर इस प्लेन के साथ हुआ क्या था। हमें सोशल मीडिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली। एक का दावा था कि प्लेन हाईजैक हो गया, दूसरी में कहा गया कि प्लेन जावा के जंगलों में क्रैश हो गया है। उस समय हमें सारी इंफॉर्मेशन को पॉसिबल ट्रुथ मानना था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो सच है या नहीं। वियतनामीज एयरफोर्स को इस एरिया में 2 बड़े ऑयल स्लिक्स नजर आए हैं। ये जगह वियतनाम के दक्षिण छोर पर है। इसमें से हर स्लिक का दायरा 10 किलोमीटर है। इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने में हमारा काफी टाइम और कोशिश लगी। क्या थे पैसिफिक के पायलट ने हांगकांग से क्वालालंपुर की फ्लाइट के दौरान समुद्र में काफी मलबा दिखने की बात कही है? फैमिलीज जानना चाहती थी कि उनके लव्ड वंस के साथ क्या हुआ था, वो जिंदा हैं या नहीं, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हम ये जानते थे कि फ्लाइट 370 के गायब होने से पहले एक और पायलट ने उससे कॉन्टेक्ट किया था। टोक्यो की ओवरनाइट फ्लाइट वाले कैप्टन इस प्लेन से 30 मिनट आगे थे और कैप्टन ने उसे इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने मलेशियन मीडिया से कहा था कि काफी स्टैटिक इंटरफेरेंस आ रही थी, पर मुझे दूसरी तरफ मर्मरिंग जैसी आवाज सुनाई दी। सैटरडे की सुबह थी और पॉल ने एयरपोर्ट से एक ईमेल भेजा था। लिखा था, तुम्हें मिस कर रहा हूं। उनका ईमेल इस बात से खत्म हुआ कि तुम और दोनों बेटे मेरी लाइफ हैं और मैं जैसे ही बीजिंग में 8 मार्च को लैंड करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मैं घर पर थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। क्वालालंपुर से बीजिंग तक रोज फ्लाइट जाती है, तो हसरीन इस फ्लाइट पर कई बार काम कर चुके थे। हम अक्सर एक दूसरे को एक टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। जब प्लेन लैंड कर जाता था, हम अपने पूरे फ्लाइंग करियर के दौरान ऐसा करते रहे। मैं किचन में थी,
कि तभी एक कॉल आया। एक लेडी पॉल के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा, सॉरी, वो तो प्लेन में है। मैंने कहा, आप कहाँ से बोल रही हैं? उसने कहा, मैं न्यूजीलैंड हेरल्ड से एक रिपोर्टर हूँ। मैं प्लेन में था और बच्चों से मिलने जा रहा था। मैं दोपहर 4 बजे बीजिंग पहुंच गया। उस वक्त मैं प्लेन से निकल रहा था और एक हॉस्टेस मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, सर प्लीज हमारे साथ आइए, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरी नींद सुबह सुबह खुल गई। मैंने अपने फोन को देखा। जब मुझे उनसे टेक्स्ट नहीं मिलता है तो मैं खुद से कहती हूँ, घबराओ मत, चलो सो जाओ, वो शायद बाद में कॉल या टेक्स्ट करेंगे। मैं सोचने लगी, इस लेडी को पॉल से क्या काम होगा। उसने कहा, आपने नहीं सुना? मैंने कहा, क्या नहीं सुना? वो बोली, प्लेन के साथ एक हादसा हो गया है। कल सुबह मिलते हैं। पापा मिस यू टू, आई लव यू। गुड नाइट मलेशियन 370। फोन मेरे हाथ से छूट गया और मैं चिल्लाती हुई बाहर भागी। बस इतना याद है कि मैं रोई जा रही थी। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा मेरे साथ वाकई हो जाएगा। उस वक्त भी जैसे दुनिया थम सी गई। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई बुरा सपना है, प्लीज मुझे कोई जगाओ। मैंने कहा, आर यू श्योर? और उन्होंने जवाब दिया, नहीं, फिलहाल हम श्योर नहीं हैं। एडम, इस समय मैं टर्मिनल 3 पर हूँ। यहाँ काफी लोग होंगे जो फ्लाइट का इंतजार कर रहे होंगे। बीजिंग में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एक सिटी सेंटर भेजा गया है किसी न्यूज का इंतजार करने के लिए। मैं बाकी फैमिली मेंबर्स के मुकाबले सबसे बाद में पहुंचा। मैं कार से निकला और जर्नलिस्ट ने मुझे घेर लिया। सच कहूं तो वहां बहुत सारे लोग थे, हर कोई पिक्चर्स ले रहा था, माइक्रोफोन मेरे पास ला रहा था। मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स को उन्हें पुश करना पड़ा ताकि हम रूम में पहुंच सकें। और तभी मलेशियन एयरलाइंस से कोई आदमी आया और बोला, बैठ जाइए। जब मैंने पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो जवाब मिला, इंतजार कर रहे हैं। वहां पर सारी फैमिलीज थी, ज्यादातर चाइनीज थी, तो मैं उनसे बात नहीं कर सका। तभी मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। यहाँ बीजिंग में होटल में पैसेंजर्स के फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं। अपने लव्ड वंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने से उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रोते हुए लोगों से कमरा भरा पड़ा। फैमिलीज कॉरिडोर में थी, दीवार पर सिर टिकाए कुछ खड़े थे तो कुछ जमीन पर बैठे। आज इसके बारे में सोचता हूँ तो वो कमरा नर्क जैसा लगता है मुझे, और ये बात सच है।
गुमशुदा पैसेंजर्स के कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि उन्होंने अपने लव वंस के सेलफोन पर फोन किया और वो वॉइस मेल पर जाने के बजाय बचते रहे। तभी अचानक एक पैसेंजर की बेटी दौड़ती हुई हमारे पास आई। उसके फोन पर एक इनकमिंग कॉल आ रहा था। वो कॉल शायद उसके पिता का था। उसने कहा, डैड अब क्या करूं? मैंने चिल्लाकर उसे कहा, कॉल पिक करो, फौरन कॉल पिक करो। पर अफसोस, जब उसने फोन उठाया तो फोन की रिंग आनी बंद हो गई। हम में से कई ने प्लेन में ट्रैवल कर रहे अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश की। ऐसी कई कॉल्स कनेक्ट हुई और रिंगटोन्स भी बजी। हमने मलेशियन एयरलाइंस और सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो इन कनेक्टेड कॉल्स को फॉलो करें, और उनका जवाब हमेशा एक ही था, उनके पास इन्हें ट्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये बात हमारे लिए, हमारी फैमिलीज के लिए समझ से बाहर थी, पर ये पैसेंजर्स और प्लेन को लोकेट करने का सबसे आसान तरीका था। वियतनाम के दक्षिण में सूरज उग रहा है और मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 370 की खोज चल रही है। हम ये जानते हैं कि ये किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतरा होगा, क्योंकि इसके पास फ्यूल नहीं बचा, तो ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें कुछ भी नहीं पता, हम ये भी नहीं जानते कि प्लेन है कहाँ। आज उम्मीद की किरण देखी थी, वियतनाम वालों को शायद एक लाइफ राफ्ट दिखा था, पर ये केबल रील निकला और इन्वेस्टिगेटर के लिए सुराग भी नकारा रहा। ऑयल स्लिक के रेसिड्यू को लैब में टेस्ट किया गया। वो जेट फ्यूल ढूंढ रहे थे, पर ये ऑयल शिप से निकला था। हम वहां गए थे, वहां कुछ नहीं है। ये सब बड़ा दुखदाई है, क्योंकि जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसा हो नहीं रहा था। पूरी दुनिया में इसे लेकर जबरदस्त दिलचस्पी है। उस प्लेन को क्या हुआ? वो कहां पर है? उसे एक्सप्लोर किया जाना था, इन्वेस्टिगेट किया जाना था, तो मैंने ये जानने के लिए बहुत सारा वक्त लगाया कि आखिर उस प्लेन को हुआ क्या था। सबका ध्यान कम्युनिकेशन पर था, और सवाल था कि आखिर हमने उन्हें कैसे और क्यों गवा दिया। 777 के ऊपर एक एंटीना है। किसी मॉडर्न कमर्शियल जेट लाइनर में बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन करने के कई तरीके होते हैं, और उन सभी ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। क्यों? इसका सबसे जाहिर जवाब होगा कोई बहुत बड़ी नाकामी। प्लेन में धमाका हुआ, वो समुद्र से टकराया, उसमें इतनी जबरदस्त आग लग गई कि उसके सारे इक्विपमेंट तबाह हो गए एक साथ। इससे पहले कोई मेडिक कॉल कर पाता, पर प्लेन का मलबा अब भी उस जगह पर नहीं मिला था जहां कम्युनिकेशन में बाधा आई थी। अगर वो कोई बहुत बड़ी नाकामी नहीं थी तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ऐसे में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि प्लेन में सवार किसी आदमी ने जानबूझकर उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ऑफ कर दिया। अगर ऐसा था तो सवाल था कौन। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के बारे में एक नया ट्विस्ट आया है। मलेशियन अधिकारियों का कहना है कि प्लेन अपने तय रास्ते से सैकड़ों किलोमीटर दूर था और आखिरी ट्रैकिंग के समय गलत दिशा में उड़ रहा था। ये रही ताजा जानकारी। ये उल्टी दिशा में उड़ता हुआ मलाका स्टेट की तरफ गया। पता चला है कि प्लेन रेडार से गायब होने के बाद एक घंटे से भी ज्यादा तक उड़ता रहा। मिलिट्री रेडार ने कुछ बहुत ही अजीब देखा था। उसके लिए प्लेन के किसी सिग्नल की जरूरत नहीं होती, पर मलेशिया के मिलिट्री 100% ये कंफर्म नहीं कर पाए कि वो MH370 ही था। हेलो जॉन, गुड मॉर्निंग। हम रिटर से खबर मिली है कि एक मलेशियन सैनिक अधिकारी का कहना है कि
इस बात की संभावना है कि ये विमान वापस मुड़ा, पर हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये क्या ये वही विमान है। मिलिट्री रेडार्स तो ये भी नहीं बता पाए कि ये फ्लाइट 370 थी। ये आपको ये भी नहीं बता सकता कि ये कोई हेलीकॉप्टर है या एयरप्लेन। ये बस बता सकता है कि वहाँ एक टारगेट है, लेकिन वो आपको इसकी ऊंचाई या स्पीड नहीं बता सकता। तो क्या ये मुमकिन है कि क्रैश होने के बजाय प्लेन मलेशियन सिविलियन रडार से गायब हो गया, फिर रास्ता बदलकर फिर पेनिनसुलर मलेशिया के ऊपर आया और उसे ऐसा करते हुए मलेशियन मिलिट्री रडार ने देखा? वो मिलिट्री रडार कवरेज जॉन के आखिरी छोर तक उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। अगर ये बात MH370 के लिए सच है तो वो वापस क्यों मुड़ा? उसने हमें कॉल क्यों नहीं किया? आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? हमारा घर एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने टीवी ऑन कर दिया। वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर की सर्च और रेस्क्यू टीम एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। BBC और CNN ये स्टोरी बार बार चला रहे थे। मैं टीवी देखने लगा तो मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे को कॉल करना चाहिए। उस समय वो फ्रांस में पढ़ रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। मैंने तब तक उसे एक शब्द नहीं कहा था, पर उसने अपने आप सबसे पहले कहा, डैड प्लीज कहिए वो इस प्लेन में नहीं थे। मैंने कहा हाँ, फिर मुझे एक चीख सुनाई दी। फ्लाइट 370 के गायब होने के 72 घंटे बाद भी 40 शिप और 34 एयरक्राफ्ट इस जेटलाइनर का कोई सुराग नहीं पा सके हैं। इस समय लोग अंडमान सी में ढूंढ रहे थे और साथ ही साउथ चाइना सी में भी तलाश चल रही थी। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। यकीन नहीं हो रहा था, भला प्लेन एक ही समय में दो जगहों पर कैसे हो सकता था। ये सब थकाने वाला था। कैमरा क्लिक होने का शोर था। वो पूछ रहे थे कहाँ, आप गलत जगह पर उसे क्यों ढूंढ रहे थे? यहाँ तक हमारा सवाल है, हम भी इतनी ही उलझन में हैं। क्या हमें पूरी बात बताई जा रही है? क्या हमसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? एक दिन सरकार कुछ कहती है, अगले दिन रिपोर्टर कुछ और कहता है। किस पर यकीन करें, क्या बात माने हम? ये समझना अब भी मुश्किल है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों नहीं दी, जबकि शायद उन्होंने इसे रियल टाइम में घटते देखा हो। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। रिश्तेदारों ने हताशा में ऑफिशियल्स पर बोतलें फेंकी, उन्हें जवाब चाहिए। उन फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। हर दिन कोई अलग ही वर्जन सुनाई देता था। अगर आपको पुख्ता खबर ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। अब बात करते हैं सर्च से जुड़े नए डेवलपमेंट्स की, जो आज के दौर में अनप्रेसिडेंटेड कहे जा सकते हैं। आज चौथा दिन हो गया है और विशाल बोइंग 777 का कोई पता नहीं। तो 4 दिन हो गए थे और केस और ज्यादा अजीब होता जा रहा था। मैं केस के टेक्निकल पहलुओं से जूझने की कोशिश कर रहा था और उसके बारे में अपने पर्सनल ब्लॉग पर भी लिख रहा था। मेरे इस लिखने के दौरान लोग इस बातचीत में शामिल हो रहे थे कॉमेंट सेक्शन में, और ये तो जैसे एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एक शख्स था जिसका नाम था एयरलैंड सीमैन,
उन्होंने काफी डिटेल देने की कोशिश की और मुझे तो समझ भी नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं, पर वो शख्स जानता था वो क्या कहना चाहता है। मैं 50 साल से भी ज्यादा वक्त पायलट हूँ। मेरा करियर मेनली इंजीनियरिंग और साइंस से जुड़ा रहा है। हमें से कईयों ने ये जानने के लिए कम्युनिकेट करना शुरू किया कि क्या प्लेन के बारे में हम कोई सॉलिड थ्योरी डेवलप कर सकते हैं कि ये प्लेन गया कहाँ। इस ग्रुप में पायलट, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि 777 कैसे फ्लाई करता है, कैसे अलग अलग सिस्टम्स काम करते हैं। मैंने इस तरह की चीज कभी नहीं एक्सपीरियंस की थी कि लोग अपने आप पूरी दुनिया से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। डिटेल्स पाने के लिए हम रोज 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे, बार बार इंफॉर्मेशन को देख रहे थे। हम एक टाइट नेट टीम की तरह काम कर रहे थे। एक साथी ने सलाह दी हमें खुद को नाम देना चाहिए, इंडिपेंडेंट ग्रुप। हमें लगा कि यह काम किसी ऐसे ने किया है जो अपने काम में उस्ताद है, तो फोकस ज्यादा पायलट्स पर होने लगा। मैंने स्लेट मैगजीन के लिए अपनी फाइंडिंग्स पर एक आर्टिकल लिखा। टाइटल था हाउ टू डिसअपीयर अ जेटलाइनर। इसकी तरफ काफी लोगों का ध्यान गया और उसके बाद में CNN पर आ गया। जेफ वाइस एयर पर आने से पहले मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, ये बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है। दरअसल कुछ पायलट्स आजकल ये कह रहे हैं कि शायद पायलट या को पायलट ने कॉकपिट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पता नहीं ऐसा करने का मकसद क्या हो सकता है। शायद वो कहना चाह रहे हों, हम इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले उस समय किसी किस्म का दावा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो बस जो पता था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर आप MH370 के बारे में जानना चाहते थे, जैसा और बहुत से लोगों के साथ था, तो ऐसी डिटेल मलेशिया के सरकार से मिल नहीं रही थी। पर ऐसा सिर्फ हमारा ग्रुप ही नहीं था, एक और ग्रुप भी था जिसका नाम था टॉम नोडर्स। कई देश और क्रूज उस मलेशियन एयरलाइंस प्लेन को ढूंढ रहे हैं, पर आप भी अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। ये काम ऐसे होता है। वो अपने प्लेटफॉर्म पर आने को कह रहे थे जिसका नाम था टॉम नोड, ताकि उस एरिया के हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देख सके जहाँ शायद मलेशियन एयरलाइंस जेट क्रैश हो सकता था। एयरफोर्स चीफ ने बताया है कि एयरक्राफ्ट की लोकेशन जानने के लिए और समय और मदद की जरूरत थी। शोक मनाते फैमिली मेंबर्स जानना चाहते हैं कि फ्लाइट 370 कहां गई। जब मैंने इन लोगों के चेहरे पर गुस्सा देखा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसने मेरे दिल को छू लिया। मेरी हॉबी है फोटोग्राफी और मैं डिटेल को भांप लेती हूं, तो मुझे लगा कि मैं इस एयरप्लेन को ढूंढने में सैटेलाइट इमेजेस के जरिए मदद कर सकती हूं। बतौर टॉम नॉडर, हम जिन एरियाज में ढूंढ रहे थे उन्हें पिक करना हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो मुझे वो एरिया दिया गया जहां सबसे पहले एयरप्लेन साउथ चीन साइना में रडार से गायब हुआ था। सैटेलाइट इमेजेस खाली थी, बस वहां काला समुद्र था। नेक्स्ट बटन दबाया, ये भी ब्लैक स्कैन्स ही थे, अंधेरा ही अंधेरा। फिर अचानक से कुछ सफेद नजर आया। मैंने इंटरनेट से B777 का स्केमेटिक्स निकाला और मैंने इस पीस को पहचान लिया। ये था नोज कोन। मैंने खुद से कहा, अरे ये तो मलबे का टुकड़ा है, यहीं पर ये प्लेन भी होना चाहिए। आगे मुझे और पीसेस दिखने लगे। कोई चीज फ्यूजलाज जैसी लग रही थी और कोई हिस्सा टेल जैसा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि मैं जानती थी कि यहां किसी की जान गई थी, क्योंकि ये प्लेन का एक हिस्सा था।
इसके मायने थे ये लोग अब जिंदा नहीं थे, और फैमिली मेंबर्स जो जवाब ढूंढ रहे थे ये वो नहीं था। हमने आज तक इससे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं देखी है। ये लोग यहाँ प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए आए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं अमेरिका एक जर्नलिस्ट हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंद्रह मार्च को मुझे मलेशियन एयरलाइन से एक कॉल आया। बताया गया कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक पल के लिए तो चिंता हो गई कि ये लोग अब कहेंगे कि मलबा मिल गया है, और इसका मतलब होगा कि कोई भी नहीं बच पाया है। आज नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के आधार पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि MH370 वाकई नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ने से पहले पेनिनसुलर मलेशिया की तरफ मुड़ा था। मैं सोचने लगी आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये लोग हमें ये बता रहे हैं। हम साउथ चाइना सी में अपने ऑपरेशंस खत्म कर रहे हैं और अपनी एयरशिप्स के रिडिप्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं। मैं जानती थी कि मैंने साउथ चाइना सी में जो देखा था वो MH370 का मलबा था, और मैं इस बारे में अपना मुंह बंद रखने वाली नहीं थी। मैंने इस मलबे के बारे में टॉम नॉट को बता दिया था, पर मुझे एक्नॉलेजमेंट कभी नहीं मिला कि मैंने मलबे को टैग किया था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं जिसको भी ट्वीट कर सकती थी किया, फेसबुक पर डाला, ईमेल किया। मैंने लोगों का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश की कि मलबा साउथ चाइना सी में वियतनाम के पास था। इससे हम टॉम नॉडस को काफी फ्रस्ट्रेशन हुई, पर बाद में मैंने जो कुछ भी सुना वो तो और भी कंफ्यूजिंग था। इन नए डेटा के आधार पर हमने ये तय किया कि एक सैटेलाइट से प्लेन का आखिरी कम्युनिकेशन दो में से किसी एक कॉरिडोर में था। तो मामला दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। तो अब जब प्लेन ने मिलिट्री रडार वाले एरिया को छोड़ा तो पता चला कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस इनमारसैट का एक इक्विपमेंट उस प्लेन में था जो एक सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहा था जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन के ऊपर था। MH370 के बारे में कुछ हैरतअंगेज जानकारियां आई। नई इंफॉर्मेशन आ रही है जो इस केस की थ्योरीज की शक्ल बदल रही है। सर्च गलत जगह हो रही थी। एयरक्राफ्ट इन दो आर्क्स के बीच हो सकता है, और ये बहुत बड़े थे, लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। गुड नाइट मलेशियन 370। जब कोई प्लेन खुले सागर में होता है तो वो रेडियो के जरिए सिर्फ किसी सैटेलाइट तक सिग्नल ट्रांसमिट करके ही कम्युनिकेट कर पाता है। तो प्लेन अब भी नहीं मिला था, पर डेटा बहुत ज्यादा था। इनमारसैट प्लेन्स को तब सैटेलाइट कम्युनिकेशन मुहैया कराता है जब वो ग्राउंड रडार सिस्टम की रेंज से बाहर हो जाते हैं। हमें डेटा में 7 हैंडशेक्स या पिंग्स मिले। हर घंटे इनमारसैट सिस्टम ये चेक कर रहा था कि एयरक्राफ्ट का सैटेलाइट टर्मिनल रिस्पॉन्ड करता रहे, तो ये एक मैसेज भेजता था, क्या तुम अब भी वही हो, और सैटेलाइट टर्मिनल जवाब देता था हाँ। और ये पिंग्स या ये मैसेज जारी रहे 6 घंटे तक आखिरी कॉन्टैक्ट के बाद। तो हमें इसमें बहुत शौक लगा। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट अब भी उड़ रहा होगा। डेटा में कुछ ऐसा नहीं था जो पोजीशन इंफॉर्मेशन देता। मिसाल के लिए कोई GPS कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, बस यही पता था कि एयरक्राफ्ट सैटेलाइट से कितनी दूर था।
तो हम जानते थे कि अब हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट सफर के आखिरी हिस्से में किधर ट्रैवल कर रहा था, नॉर्थ या साउथ पर हम ये जानते थे कि इसमें टाइम लगेगा। यानी राज और गहरा हो गया था। अब हमें पता था कि प्लेन और कई घंटे तक उड़ता रहा था। एक रूट साउथ की तरफ गया और वो पहुंचा दूर दराज साउदर्न इंडियन ओशन, और दूसरा गया नॉर्थ में सेंट्रल एशिया में। तो सबसे उम्मीद वाली संभावना ये थी कि वो सेंट्रल एशिया में कहीं उतरा हो, जैसे कजाकिस्तान पर अगर प्लेन साउथ में गया था तो शायद वो दूर दराज समुद्र में क्रैश कर गया हो, तो ऐसे में कोई बच ही नहीं सकता था। तो इनमारसैट इस पर काम कर रही थी कि प्लेन कहां गया, और मलेशियंस को ये बात स्वीकार करनी थी जो ऑन लुकर्स को काफी समय से समझ आ रही थी। गुड इवनिंग, आज रात मलेशिया से खबर आई है कि मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 के साथ जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। देश के प्राइम मिनिस्टर ने आज शक की पुष्टि कर दी जो लोगों को काफी टाइम से था कि प्लेन को जानबूझकर दूसरे रास्ते पर ले जाया गया। आम राय ये थी कि पायलट उस प्लेन को कहीं ले गया। जैसा मैंने पहले कहा था, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप इत्तेफाक से 8 घंटे और हजारों किलोमीटर प्लेन को नहीं उड़ाते रहते हैं। शुरुआत से ही दोनों में से एक पायलट के दोषी होने की गुंजाइश ज्यादा लग रही थी। को पायलट को ज्यादा तजुर्बा नहीं था। उसे हाल ही में एक 777 पर बतौर फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई करने की परमिशन मिली थी, तो फोकस हमेशा फ्लाइट के कैप्टन ज़हरीन अहमद शाह पर था, क्योंकि वो एक बहुत ही अनुभवी कैप्टन थे और जो कुछ किया गया था वो बहुत ही अग्रेसिव और सोफिस्टिकेटेड था। हेलो गाइस, ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने बनाया है। पायलट के होम फ्लाइट सिमुलेटर को पुलिस ने जब्त किया है ताकि चेक किया जा सके कि जो रूट फ्लाइट 370 ने लिया कहीं साइबर स्पेस में उसकी प्रैक्टिस तो नहीं की गई थी। हमने एक फ्लाइट सिमुलेटर को अपने कब्जे में लिया है। ज़हरी में ये खूबी थी, वो एक तजुर्बेकार पायलट थे। वो अपने काम को बखूबी जानते थे और ऐसे पेचीदा काम को अंजाम दे सकते थे। पर अब भी उस प्लेन का कोई नामोनिशान नहीं था कि वो नॉर्थ जा रहा था या फिर साउथ। हमारे जो इंजीनियर्स आंकड़ों पर काम कर रहे थे, हमें उनका फोन आया और वो बोले कि उन्होंने मसला सॉल्व कर लिया है। उन्हें सिस्टम में जाना पड़ा और ये समझना पड़ा कि सिस्टम में सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर एयरक्राफ्ट नॉर्थ या फिर साउथ में जाता है तो क्या होता है। वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए थे कि MH370 ने किन फ्लाइट पाथ्स को लिया था। मैं उस वीकेंड अपने घर पे बैठकर कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था जिन्हें मैं मलेशियन अथॉरिटीज को दे सकता था। मलेशियन एयरलाइन सेंटर ने हमें बताया, तैयार हो जाइए, कल एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो कल सुबह अपना टीवी जरूर देखिएगा। मेरे मन में ये बात आई कि शायद पैसेंजर्स अब भी जिंदा हों। कोई क्रैश नहीं है तो फिर वो जिंदा ही होंगे। मैं काफी टाइम तक उनके साथ कम्युनिकेट करता रहा। उनके पास फोन थे तो मैं टेक्स भेजता रहा। हर रात सोने से पहले मैं उन सबको टेक्स मैसेज भेजता था, कैसे हैं आप, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, मैंने आज ये काम किया। ये मेरा उनके साथ एक डायलॉग कायम रखने का तरीका था।
आज शाम को मुझे यूके एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया अपने नए एनालिसिस के आधार पर इनमारसेट और एएआईबी का कहना है कि MH370 सदन कॉरिडोर के साथ साथ उड़ा। ये एक रिमोट लोकेशन है किसी भी पॉसिबल लैंडिंग साइट से दूर, और इसलिए मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ आपको इन्फॉर्म करता हूं कि इस नए डेटा के मुताबिक फ्लाइट MH370 सदर्न इंडियन ओशन में समा गई है। लोगों के पास अब भी कोई पक्का सबूत नहीं था कि उनके लव्ड वंस इस दुनिया में रहे हैं। हमारे पास बस सैटेलाइट डेटा था, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। यानी ये जनाब पैसेंजर्स और रिश्तेदारों से कह रहे थे कि आपके लव्ड वंस की मौत मैथ की वजह से हुई है। इंसान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 229 लोगों को सिर्फ मैथमेटिक्स के आधार पर मुर्दा घोषित कर दिया गया हो। अभी तक कुछ भी नहीं मिला, प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन तक का पता नहीं चल पाया। बस प्लेन की पोजीशन के आधार पर कैलकुलेशंस की गई, लेकिन नतीजों को वेरीफाई नहीं किया गया। ये लोग हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम MH370 में सवार 154 चाइनीज पैसेंजर्स की फैमिलीज, मलेशियन एयरलाइंस, मलेशियन गवर्नमेंट और मलेशियन मिलिट्री के खिलाफ विरोध जताते हैं, इनकी निंदा करते हैं। हम माफ न किए जाने वाले इन गुनाहों के लिए मलेशियन एयरलाइंस, सरकार और मिलिट्री को जिम्मेदार मानते हैं। आज बीजिंग में कुछ हिस्सों में दंगे वाले हालात देखने को मिले, क्योंकि फैमिलीज विरोध करने मलेशियन एम्बेसी पहुंच गई थी। चाइना में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से सड़कों पर आवाजाही थम जाए, पर फैमिलीज में इतना गुस्सा है कि सरकार ने इन्हें ना रोकने का फैसला किया है। फैमिली कुछ इस तरह के नारे लगा रही है, मलेशिया झूठा है, तुम लोग कातिल हो। तब हम ये सब मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे 154 लव्ड वंस की किस्मत सिर्फ एक ऐलान के जरिए तय कर दी जाए। इस रैली को मलेशियन एम्बेसी की फेंसेस के बाहर रखा गया ताकि ये दुनिया के मीडिया को नजर ना आए। हम लोग वाकई लाचार थे और गुस्से में भी। मलेशियन एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव आज पहली बार इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए हैं। हमारा प्राइमरी रोल ये है कि हम फैमिली का ध्यान रखें, और हम इस सिलसिले में नॉर्मल रिस्पॉन्सेस से भी आगे चले गए हैं। शायद लोगों को ऐसा नहीं लगता है। मेरा ये कहना है कि ये ठीक नहीं है, हमने पूरी कोशिश की।
ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब नहीं दिए गए, पर मेरे सामने सब कुछ एकदम साफ था। ऐसे बहुत से सबूत थे जो कि मेरी थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे थे। पायलट ने मास मर्डर सुसाइड करने का फैसला किया था। वो रास्ता बदलकर साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ बढ़ गया था ताकि अपनी जान ले सके और 200 से ज्यादा दूसरे इंसानों का कत्ल कर सके। इस काम के लिए काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी। तो बतौर एक एविएशन जर्नलिस्ट मुझे ये लगा कि मुझे उस रात जो कुछ हुआ था उसकी एक फाइनल और डिसाइसिव पिक्चर क्रिएट करनी चाहिए। आधी रात को 1 बजे के थोड़ी देर बाद ज़हरीन साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उन पर 11 क्रू और 227 पैसेंजर्स की जिम्मेदारी थी और उन्हें इन लोगों को एक रूटीन उड़ान के जरिए बीजिंग पहुंचाना था। इसी दौरान कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कॉल करके कहा, मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। अब MH370 को अगले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के हवाले किया जाना था जो वियतनाम में थे। तो ज़हरीन ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। अब ये दो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच वाले ग्रे जोन में थे और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, और शायद तभी उन्होंने अपने को पायलट से कहा होगा, आप जरा पीछे पेंट्री में जाकर मेरे लिए कुछ ले आइए। को पायलट डोर बंद कर देता है, ज़हरी उसे लॉक कर लेते हैं। अब वो अपने बिग प्लान को अमल में लाने वाले थे। उन्होंने वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दिए जिनके जरिए प्लेन बाहरी दुनिया को नजर आता था। वो रडार से गायब हो गया। उस समय तक प्लेन के बाकी लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन पर ज़हरी का पूरा कब्जा था और किसी को इस बारे में पता नहीं था। अब वो योग पकड़कर उसे जोर से बाईं तरफ पुल करते हैं। और वापस मलेशियन पेनिनसुला की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी को पायलट समझ जाता है कि कॉकपिट को अंदर से लॉक कर लिया गया है। ज़हरी ये जानते थे कि उनके लिए प्लेन को ज्यादा देर तक अपने कंट्रोल में रख पाना मुमकिन नहीं होगा, तो शायद उन्होंने कैबिन को डीप्रेशराइज करना शुरू कर दिया। हर कोई कंफ्यूज था, पर बहुत से पैसेंजर ये नहीं जानते थे कि इन इमरजेंसी मास्क में मौजूद ऑक्सीजन जनरेटर सिर्फ करीब 15 मिनट ही काम करते हैं, जबकि कैप्टन के पास ज्यादा देर तक चलने वाला एक सोफिस्टिकेटेड मास्क था। और जल्दी ही पूरे कैबिन में खामोशी छा गई। और उन्होंने प्लेन को साउथ की तरफ मोड़ दिया। वह सीधे अंधेरे की तरफ मोड़ते गए और प्लेन का फ्यूल खत्म होने का इंतजार करते रहे। 6 घंटे की फ्लाइट के बाद
इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने प्लेन की नोज नीचे की और एक डाइव लगानी शुरू कर दी। अगर जहरी को प्लेन को क्रैश करना था तो यह सिनेरियो बहुत जरूरी था। इसके लिए इवेंट्स की सीक्वेंस चाहिए थी। ये बताना जरूरी है कि ऐसे चंद हादसे हुए हैं जब पायलट्स ने अपने पैसेंजर्स की जान लेने का फैसला किया है, पर ऐसा केस कभी नहीं हुआ जब किसी ने एक मास मर्डर सुसाइड करने के लिए 6 घंटे का टाइम लिया हो। मैं ये सोचने लगा शायद गलती जहरी की ना हो। और फिर प्लेन के गायब होने के 4.5 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे जोड़ घटाव की हवाएं निकाल दी। और मैं सोचने लगा ओह माय गॉड, 90 के दशक से मलेशियन एयरलाइंस का कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था और अब सिर्फ 4.5 महीने में उसके 2 बड़े 777 क्रैश हो चुके थे। ये इत्तेफाक तो कुछ ज्यादा ही अजीब था। इस समय MH370 हादसा सिर्फ एक अनसॉल्व मास मर्डर ही नहीं बल्कि एक एक्ट ऑफ वॉर लग रहा था।